सो जैसे कि हमने WG के ऑफिशियल पेज में आ चुके हैं, उसके बाद मेरा मॉकअप का रिजल्ट चेक करूंगा। मैंने पहले चेक कर चुका हूं, अब वीडियो के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं जो हूँ यहां पर आ गया अपने ऑफिशियल साइट में। उसके बाद मैं यहां से जाऊंगा थोड़ा नीचे की तरफ, तो यहां पर हमको मिलेगा WG का जो काउंसलिंग का जो मॉकअप का जो रिज़ल्ट है उसको मिलेगा। तो यहाँ से हम मॉकअप को क्लिक कर लेंगे, उसके बाद हम मोबाइल क्लिक हो जाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे अंदर। और यहाँ पर हमारा WG का जो रोल नंबर है और जो पासवर्ड है वो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने जो पासवर्ड दे दिया है, उसके बाद मेरा जो है सिक्योरिटी पिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी पिन है, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी पिन दे दिया और मैंने ओपन कर लिया। तो अब मुझे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जस्ट थोड़ा सा लेगा, उसके बाद ही मेरा जो है मतलब ओपन हो जाएगा। तो मैं जो हूँ यहाँ से ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो अब ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो है मतलब एडमिशन का जो एप्लीकेंट चॉइस का होम इंडेक्स आ चुका है। यहाँ पर हमको जो है मोबाइल राउंड का सीरियल में रिजल्ट दिख रहा है, तो यहाँ से हम जो है मोबाइल राउंड का सीरियल में रिजल्ट दिखेंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद हमको देखना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद हमको मिल जाएगा सेटलमेंट रिज़ल्ट। तो इस पर हम सेटलमेंट रिज़ल्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमको खुल जाएगा, यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर हमको जो मिल चुका है वो है हमारा ऑप्शन 4 जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहले भी था, मतलब हमारा जो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी वाला ब्रांच में, और अब जो हूँ मैं यहाँ पर मेरा ब्रांच मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना जो है पा चुका हूँ, मेरा जो ब्रांच था एलोटेड सीट है वो केमिकल इंजीनियरिंग में हो चुका है, तो अब मैं जो है मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद ही मेरा जो है बाकी सारा काम होगा और मैं फिर से अपना जो ब्रांच है वो अपग्रेड कर लूँगा। और इसमें ब्रांच अपग्रेड करने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो भी मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद मैं जादवपुर चला गया, वहाँ पर मेरा जो है मेरा डिपार्टमेंट अपग्रेड करने को बी फार्मा से केमिकल इंजीनियरिंग में, तो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आप देख सकते हो यहाँ पर है। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हो तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो पहले से लगता है, और अगर अपने मॉपअप में कोई नया सीट अलॉट हुआ है आपका, तो तब जाके आपको, अगर आपका जो है नया कॉलेज में कोई सीट अलॉट हुआ है तब जाके आपको है पिछले वाला कॉलेज का जो अपने जो कॉलेज में जो फ़ी पे किया था उसका जो रिसिप्ट है, और जो नया वाला मॉपअप राउंड में मतलब जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपका जो अलॉटमेंट लेटर है और वो जो पिछले वाला कॉलेज का फ़ी है मतलब आपने जो कॉलेज को पे किया था वो दोनों लेकर जाना पड़ेगा। और अगर आपका जो है, मैं स्पेसिफिकली जादवपुर का बात कर रहा हूँ, अगर आपका ब्रांच अपग्रेड हुआ है मतलब आप पिछले कुछ भी ब्रांच में एडमिशन लिए थे और एक नए ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, तब जाके आपको आपका जो पिछले वाला ब्रांच का ही जो है एडमिशन जो आप एडमिशन पे जो आपने 210 रुपया पे किया था कॉलेज को और इन्फॉर्मेशन IT छोड़कर उसको, और जो आपका नया अलॉटमेंट लेटर आया है मॉपअप 3 का, नया सीट आया है अगर आया है तभी उसका कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेश आपका नया सीट अलॉट हुआ, आपके पहले कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आप देखना चाहते हो, तो इस चैनल में वीडियो है, देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना जादवपुर और WBJ और NEET और JEE सारे कॉन्टेंट्स के लिए।